ठीक है, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म वाला का एक हिस्ट्री में करना है ना हमारे, अलग अलग है क्या? चलो मतलब आ तो वही रहा है ना, क्लास में हुआ है नहीं, लेकिन आएगा तो वही ना। ठीक है, पहले ये सब करा देंगे, फिर मैथ साइंस का लास्ट में रिवीजन कराएंगे। 18 से पेपर है ना? यस सर। 18 से डेट शीट आ गई? नहीं, वो बोला है कि चैप्टर में नहीं आना सर। हां, एग्जाम में ही मेन कास्ट वाला नहीं आना। चलो नाउ कंफ्रंटिंग मार्जिन आता है। नाउ जरा एक बुक दो। ये अष्टम पाठ संसार सागर से नायक है, यही से अब शुरू है ना। सब तो प्रतिज्ञा करो, सप्त भगिनिया अर्थ सीसीएल सात बहने। Are you on it? Yes, sir. भगिन्या, सप्त भगिन्या, सात बहने। अध्यापिका सुप्रभातम, अध्यापिका कहती है सुबह का नमस्कार, अच्छा अच्छी सुबह। छात्रा, छात्र, छात्रो, छात्रा, बहुत सारी, ठीक है। और छात्रा, छात्र, छात्रा, यहाँ पर देखो सभी, क्या इसमें सभी गर्ल्स हैं कि लड़के भी हैं? नहीं, सभी हैं। तो छात्रा, देखो छात्रा, छात्रों, छात्रा, छात्रों, दो छात्र, और छात्रा का क्या मतलब है? बहुत सारे छात्र। तो छात्रा भी कहते हैं सुप्रभातम, सुप्रभातम। अध्यापिका, भवतु अद्य किम कठिनियम, हे आज क्या पढ़ना है? तो दैट इज अध्यापिका है, लेडी टीचर, अध्यापिका। भवतु अद्य किम पठनीयम, अद्य का मतलब आज, किम, ठीक है। सो भवतु अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना है? पठ नियम। सो लेडी टीचर सेज, अच्छा आज क्या पढ़ना है? पठनीयम का मतलब है पढ़ना है, पठनीयम, लिखनीयम, गमनीयम, ठीक है, करनीयम, करना है, पढ़ना है, पठनीयम, ऐसे कुछ भी हो। सो वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। तो छात्र क्या बोलते हैं, रिया जरा इसका ट्रांसलेशन करो। वयम सर्वे स्वदेशस्य, इसका सिर्फ इतने का मतलब बताओ, वयम सर्वे स्वदेशस्य, वयम सर्वे, हाँ बोलो सर। कि हमें अपने देश के राज्य के बारे में जानने की इच्छा है। बहुत अच्छा, स्वदेशस्य राज्यानाम, राज्यानाम, या विषये, विषय में, ज्ञातुम इच्छामः, ज्ञातुम जानने की, ज्ञातुम प्लस इच्छामः है, ये इस तरीके से इनका संधि कर दी गई है। हम सबको अपने, हम सब को स्वदेश से
जैसा कि आयुषी ने बताया अपने देश के आगे के बारे में। आयुषी बताओ आप। हमें अपने देश के बारे में जानना। चलो कोई बात नहीं, आप बताओ। सर राज्यों के बारे में जानने की। रिकंसाइल नहीं कर पाते हो ना, एक साथ ज्यादा आ जाते। राज्य छोड़ दिया, राज्यों राज्या ना, तो राज्यों के विषय में ज्ञातुम का क्या मतलब है? जानना है। जानने की इच्छामा इच्छुकता है नहीं? विषय में देखो ज्ञातुम का क्या मतलब बताया आपने? जानने की। और इच्छामा का मतलब इच्छा है। चलो अध्यापिका शोभनम वदम वदत। अध्यापिका सृष्टि, अब अध्यापिका कह रही है कि शोभनम वदत, इसका क्या मतलब है बताओ जरा। शोभनम वदत। हाँ बोलो सर। सर इसका अर्थ है बहुत अच्छा। हाँ। और अस्माकम हमारे देश में कितने राज्य हैं। वदत का मतलब कहा? वदति वदतः वदन। वद का मतलब क्या होता है? वद मतलब कहना। लिख का मतलब है लिखना, ठीक है। इसी तरह से करा का मतलब करना, इसे करोति बन जाता है। लिख का मतलब लिखना, गम का मतलब जाना। समझ में आई बात? तो शोभनम वदत, शोभनम वदत सृष्टि क्या हुआ? अच्छा बोलो हमारे देश में कितने राज्य हैं? या बताओ, अच्छा बताओ अस्माके देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माके मयंक, अस्माके देशे कति राज्यानि सन्ति, जरा बताओ तो। इसकी हिंदी बताइए। हमारे देश में कितने राज्य, ठीक है। हमारे अस्माके तो हमारे देशे देश में कति, कति का क्या मतलब है? कितने कितने राज्य। अस्ति स्तः संति, जब बहुत होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? संति। और वैसे इसमें है अस्ति, अस्ति का मतलब एक है, स्तः का मतलब दो है, और छात्रा स्तः और छात्रा संति, तो ये अस्ति स्तः संति है, वे दोनों हैं और वे सब हैं। तो हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो सायरा बोलती है चतुर्विंशति। महोदया पलक, सायरा सायरा क्या बोलती है? बोलो। हाँ चतुर्विंशति, विंशति का मतलब है, तो आप लोगों को पढ़ाया गया ना सेवेंथ में, सेवन से ट्वेंटी तक, थर्टी तक लिखा गया नहीं? तो विंशति चतुर्विंशति, चार प्लस बीस, विंशति का क्या मतलब होता है? बीस, तो चौबीस हो गया कि नहीं? ट्वेंटी फोर। तो चतुर विंशति महोदया, हे महाशय चौबीस। चौबीस महोदय नौ। सिल्वी नहीं नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। सिल्वी क्या बोलती है? नहीं 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 महाभागे, महाभागे भी महोदय कोई कहते हैं, ठीक है। So, नहीं नहीं महोदय पंचविंशति राज्यानि सन्ति, पच्चीस राज्य हैं, ठीक है। इसके बाद स्वरा क्या होती? अध्यापिकी, अध्यापिका। निखिल अन्य कोपि, और कोई? हाँ तो अध्यापिका पूछती है और कोई, ठीक है। नाउ तो स्वरा कहती है महोदय मे भगिनी कथयति। हाँ जस्मिता, स्वरा कहती है मध्य एव, मध्य एव,
मैं भगिनी कथयति, इतने का बताओ। मध्य एव दिव्यांशी स्वरा कहती है मध्य एव मैं भगिनी कथयति। मानसी बता दो हम फिर करेक्ट करेंगे, तुम बताओ भी तभी तो अच्छा रहेगा। बोलो सर। बीच में महोदया मेरे बहन ने कहा था। हाँ कथयति अगर अकथयत तो कहा था और कथयति है तो कहती है, अकथयत होगा तो फिर ये पास्ट टेंस हो जाएगा। और कथयति पठती लिखती ठीक है, वदती इसका मतलब है कहती है बोलती है लिखती है ऐसे। धावती धावती का क्या मतलब है? दौड़ती है। गच्छती जाती है। कथयति वदत कथती है कहती है और वदती लिखती ठीक है। चलो सो अब इसमें स्वरा कह रही है दैट इज हाँ जस्मिता मध्य एव महोदये मे भगिनी कथयति। बोलती तो वदति होता है। अब मध्य एव का भी बताओ। मध्य एव मे भगिनी कथयति बीच में मेरी बहन बोल नहीं वो बीच में ही बोल देती है। अभी टीचर का क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ और कोई है तो वो टीचर कुछ कहने वाले थे तभी उसने हाथ खड़ा करके कह दिया मध्य एव बीच में ही वो बोल उठी। टीचर का प्रश्न भी पूरा नहीं हुआ था। मैं भगिनी कथयति मेरी बहन बोलती है। अरे तो हमने कह दिया था वदती। अभी तुम क्या सुन रहे थे इनको सब समझा रहे थे समय तो अगर हम एक को एडजस्ट करें तो तुम ये सोचो कि मुझे नहीं बोलना। अभी बताया ना कि वदयती और कथयति वदती और कथयत में क्या अंतर। वही जस्मिता ने भी किया कि भाई वो तो आद्या को पढ़ाने हमें क्या लेना देना नहीं मेरी और देखेंगे तो देखेंगे। हाँ बोलो मेरी बहन कहती है। हाँ तो समझो लेट लर्नर ना बनो जस्मिता की तरह कि चार बार बताओगे तो एक बार समझेंगे। तुम तो तेज हो ना कंजीनर हो अपनी सीट की ग्रुप लीडर हो तुमको देख के तो पीछे वाले सीखते हैं। तो मध्य एव बीच में ही मैं भगिनी कथयति मेरी बहन कहती है यत अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति मैं भगिनी इसमें विच्छेद है कथयति यत यहां पर संधि है यत अस्माकं है अस्माकं देशे कि यत का क्या मतलब है कि हमारे देश में नव विंशति राज्यानि सन्ति हाँ मानसी बोलो यत अस्माकं देशे नव विंशति राज्यानि सन्ति बोलो यत का क्या मतलब है पलक हाँ कि हमारे देश में 29 राज्य हैं एतत् अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति निखिल एतत् प्लस अतिरिक्त प्लस चा ये तीन चीजों के साथ संधि देखो क्या लिखा है एतत् प्लस अतिरिक्त और प्लस चा का मतलब और होता है एतत् अतिरिक्त प्लस चा सप्त केंद्र शासित प्रदेश सप्त केंद्र शासित प्रदेश है यूनियन टेरिटरी जानते तो प्रदेश अभी जिसमें राष्ट्रपति का शासन होता है वो राज्यपाल के माध्यम से करता है प्रदेशा वहां पर कुछ या लेफ्टिनेंट गवर्नर बना देगा प्रदेशा अभी संति हाँ बोलो पलक एतत् अतिरिक्त प्लस चा और पहले बोल दो और
और प्रदेश, ये बोलो एतत का, और प्रदेश, हाँ बोलो, और इसके अतिरिक्त चार केंद्र सात केंद्र शासित देश प्रदेश भी हैं, और इसके अतिरिक्त एतत अतिरिक्त, एतत अतिरिक्त प्लस शासित को ना, आप बोले और इसके अतिरिक्त या अलावा कुछ भी बोलते, अलावा सात केंद्रीय शासित है, शासक है, शासित प्रदेश है, भी नहीं लोग बोलो भी है, ठीक है ना, और इसके अतिरिक्त, और इसके अतिरिक्त सात केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, ठीक है। अगला देखो, अध्यापिका, अब अध्यापिका पूछ रही है, ठीक है, सम्यक जानाति ते भगिनी, अच्छा सम्यक प्लस जानाति ते भगिनी, दो लोगों में कंपटीशन है, पलक में और अदिति में, पहले तुम बताओ सम्यक जानाति ते भगिनी, चलो इनका भी हाथ उठ गया, इनका भी कम, हाँ बोलो तुम बताओ, आप बताइए, सर तुम्हारी बहन बहुत कुछ जानती है, हाँ तुम्हारी बहन सही जानती है, तुम सम्यक का मतलब ठीक, जानाति जानती है, ते का मतलब तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन ठीक जानती है, भवतु अपि जानीत यूयम यत तेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम एक समवायो स्थिति। अब देखो इसके आगे भी अध्यापक बोलते हैं कि भवतु अपि जानीत, सो भवतु अपि जानीत, इसके अलावा भी जानने योग्य है, क्या जानने योग्य है, जानीत का मतलब जानते हो, भवतु का मतलब है अच्छा, तो अच्छा भवतु अपि जानीत, देखो यूयम दो, त्वम युवाम यूयम, एक होता है अहम आवाम वयम, इसका क्या मतलब है, हम मैं हम दोनों हम सब और हम सब, त्वम त्वम यूयाम यूयम यूयम, इसका मतलब है तुम सब, ये तुम से बना है, तो तुम दोनों तुम सब, मैं हम दोनों हम सब, और सह तौते तो कल बताई दिया था, सह तौते सातेता तत्तेतानी, जब पुरुष है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, सह तौते, अगर स्त्री है तो सा ते ता, और जैसे कमल है जिसमें जान नहीं है तो तत ते तानी, तो अभी हम यूयम पे करेंगे, भवतु अपि जानीथ यूयम, अच्छा अपि तुम सब यह भी जानते हो, यूयम का मतलब तुम सब, तो तुम सब जानीथ यूयम जानते हो, तो अपि का मतलब है यह भी, वैसे भी होता है लेकिन यह अर्थ निकाला जाए, यह भी जानते हो, यत प्लस तेशेशु यूयम, यत प्लस तेशेशु यहां संधि है, तेशेशु तो उनमें से यत
ते तेषु यत् ते तेषु नाउ यत् प्लस एतेषु एतेषु होगा यत् प्लस एतेषु इनमें से इनमें से यत् एतेषु इनमें से इनमें से अच्छा तुम सब यह भी जानते हो अति का क्या मतलब है भी तुम सब यह भी जानते हो तुम सब हमने बाद में लिख दिया एक ही मतलब है मैंने एक साथ लिख दिया बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी ना yes. तुम सब यह भी और जानीत का मतलब क्या है जानते हो इनमें से समवायो का मतलब क्या होता है ग्रुप इनमें से एक समूह है सात राज्यों का जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है वो नॉर्थ ईस्ट के सभी देश हैं राज्य हैं तो तुम सब यह भी जानते हो कि इनमें से इन राज्यों में से यत एतेषु राज्येषु यत एतेषु राज्येषु इन राज्यों में तो इन अब यत एतेषु राज्य है तो कि इन राज्यों में कौन है देखो सप्त राज्या नाम सप्त राज्या नाम सात राज्यों का ठीक है एका समवायो समवायो अस्ति एक समवायो प्लस अस्ति एक समूह है एक समूह है सात राज्यों का एक समूह है प्लस अस्ति और उसे क्या कहते हैं यह सप्त भगिन्या इति नामना प्रथितोस्ति तो यह सप्त भगिन्या इति नामना इस नाम से प्रथितोस्ति ठीक है प्रसिद्ध है प्रथितोस्ति तुम एक समूह है और यह जो सात बहन अभी भगिनी थी कि नहीं तो वही तो भगिनी ही हो गया सात बहन इस नाम से प्रथितोस्ति प्रति दोस्ती प्रसिद्ध है जिसकी कॉपी में कुछ नहीं लिखा है वही खोलेंगे इसी की हिंदी लिख के दिखाएंगे सिर्फ हिंदी हिंदी बाकी दूसरे से दिलवा देंगे ठीक है ले लेना एक से कर लो सिर्फ हिंदी लिखना दोनों तरफ अध्यापिका निकाह का जमा करिए किसी का बात की तो जमा करो ज्योति ओके नाउ नेक्स्ट पेज सर्वे साश्चर्यम परस्परम पश्यंता सर्वे सर्वे का मतलब है सभी पलक इसके आगे का बताओ साश्चर्यम परस्परम पश्यंता हाँ बोलो हाँ बताओ आद्य सब प्लस आश्चर्य परस्पर आश्चर्य होके पूछते हैं
नहीं आप बोलो सब आश्चर्य से देखते हैं। हाँ। आश्चर्यम पश्य का मतलब देखना होता है, अप्रच्छ का मतलब पूछना है। आश्चर्यम परस्परम पश्यंता परस्परम पश्यंता परस्परम पश्य का मतलब देखना होता है। सभी आश्चर्यम आश्चर्य से परस्परम एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है सप्त भगिनियां सप्त भगिनियां सात बहने सात बहने सात बहने सात बहने बहनों के नाम से भी कोई राज्य होता है। निकोलसा निकोलस इमानी राज्यानी सप्त भगिन्या इति किमर्थम कथयन्ते आयुषी इमानी राज्यानी इन राज्यों को सात बहने क्यों कहते हैं। इयम इमे इमानी इमानी का मतलब है इन सब राज्यों को सात भगिन्या सात बहने इति किमर्थम ऐसा क्यों कहते हैं सही बताते हैं। इमानी का मतलब है इन सब इयम तो ठीक है इदम भी हो सकता है इदम इमे और इमानी तो ये यह दोनों और यह सब या इन सब इन सब इन सब राज्यों को या इन राज्यों को इन राज्यों को सात बहने ऐसा क्यों कहते हैं। अध्यापिका प्रयोगोयम प्रतीकात्मको वर्तते प्रयोगोयम प्रतीकात्मको वर्तते न यह प्रयोग प्रतीकात्मक है मतलब ऐसा बहुत किसी ने कभी कह दिया होगा इस वजह से कहते हैं सात बहने क्योंकि ये इनका जो संस्कृति है वो सारा एक जैसा ही है। ठीक है ये जो सात राज्य हैं इनमें बहुत हरियाली है सांस्कृतिक रिच है। इन सात राज्यों को कभी क्या हुआ कि अंग्रेजों ने शासित नहीं किया ये सात राज्य कभी अंग्रेजों के द्वारा शासित नहीं हुए। और एक और भी चालाकी है कि अंग्रेजों की किताब में एक कहानी है सेवन सिस्टर्स तो उन्होंने ये बोला था कि वो सेवन सिस्टर्स थी और वो अपने मालिक से बहुत नाराज थी और वो उनका मतलब मालिक उनको बहुत मारता था उससे आज़ाद होकर के वो फिर दूसरे मालिक के पास चले गए। तो अंग्रेजों ने इसका नाम इतने स्किलफुली रखा है कि ये सातों राज्य भारत से बहुत नाराज हैं और अब बाद में ये मुझमें मिल जाएंगे। मोदी ने चालाकी की अब इसको एट सिस्टर्स बना दिया बोला तुम्हारी कहानी की ऐसी तैसी तो समझ आई बात कि नहीं। तो वास्तव में नाम किसके द्वारा दिया गया है इंग्लिश मैन के द्वारा अपनी कहानी किसी को पता नहीं है लेकिन उन्हें मालूम है कि इसका क्या मतलब है। नहीं वर्ल्ड में जिसने बाइबिल या इस सब की कहानी पढ़ी है दूसरे शेक्सपियर की उनको भी मालूम है तो वो सोचते हैं कि ये नाम इसलिए दिया क्योंकि नाराज रहते हैं। प्रयोगोयम यह प्रयोग प्रतीकात्मक है ये जो एक्सपेरिमेंटल वर्ड दिया गया ये प्रतीकात्मक है लेकिन आज के परिवेश में इसका अर्थ ठीक प्रतीत होता है क्योंकि ये सभी अगर तुम इनकी झांकी देखोगे जो 26 जनवरी को निकली है बिल्कुल अलग होती है इनकी ट्रेडिशनल वेशभूषा होती है। इन सभी का नागालैंड का अलग है मेघालय का अलग है इन्होंने अपनी संस्कृति को अपने प्रिस्टाइन फॉर्म में शुद्ध रूप में बचा कर रखा है जो अंग्रेजों के द्वारा या आक्रांताओं के द्वारा इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है कोई इस पर इंटरफेरेंस नहीं है। तो इसलिए यह प्रयोग प्रयोगोयम
प्रतीकात्मको अस्ति। यह प्रयोग जो ये नाम दिया गया ये प्रतीकात्मक है, सिंबोलिक। प्रतीकात्मक का क्या मतलब होता है? सिंबोलिक। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज सिंबोलिक। यह प्रयोग, ये जो प्रयोग है प्रतीकात्मक है। वास्तव में नाम ये दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, दिस एक्सपेरिमेंट इज सिंबोलिक। मतलब कि ऐसा नहीं है कि पहले से किसी ने साथ, एक बार वहां पर अनाउंसमेंट हो रहा था मणिपुर में, तो मणिपुर का जो राज्यपाल था उसने कहा कि हम अरुणाचल प्रदेश, ये जो सात राज्य हैं एटीएम आना मम्मी, वे सभी सात राज्य बहने हैं। तो तब से सब लोग साथ बहने कहने लगे। वास्तव में वो खुद ही क्रिश्चियन था। एटीएम आना मम्मी, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उसमें नागालैंड लिखा लेकिन है नागालैंड, तो नागा लैंड, और फिर मम्मी मिजोरम, और एक है मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है। तो मणिपुर एंड दिस इज मिजोरम। इतनी बात समझ आ गई? यानी ए ए अद्वय, दो आ है, ठीक है, मत्रया तीन माँ है। अद्वया देखो, दो आ, क्या दो आ नहीं है? असम और अरुणाचल प्रदेश, तीन आ, तीन माँ, तीन, तीन क्या है? मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, और क्या क्या बचे बताओ? त्रिपुरा, नागालैंड और बस। तो सात नहीं हुए अभी, तीन दो पांच, दो बचे है ना, और ठीक है। तो बुक में क्या लिखा है सूत्र बताइए? अद्वयः अत्रमयः, और कौन कौन से हैं? ये देखो श्लोक भी लिखा है सब समूह, और न त्रियुक्तम अद्वयः मत्रयः च न त्रियुक्तम तथा द्वयम्। न त्रि, न त्रि का क्या मतलब है? न और त्रि से, न प्लस त्रि, अद्वया मत्रया नत्री, दैट इज नागालैंड, वैसे नागालैंड होता है, और त्रिपुरा। इस तरीके से टू प्लस थ्री प्लस टू, तीन दो पांच दो सात हो गए। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज सिंबोलिक। जिसने भी ये नाम दिया बस कह दिया था, लेकिन लोगों को भा गया। So, बस एक्सपेरिमेंटल था। जब कभी कोई किसी को नाम जम जाता है तो सब लोग वही नाम ही लेने लगते हैं। तो यह प्रयोग जो है, जो ये नाम दिया गया प्रतीकात्मक, किसी ने बस कह दिया था। उसने इसकी कहानी उन सेवन सिस्टर से की थी, जो एक कहानी शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, तो लोगों को पसंद आ गया। और उस समय वे राज्य केंद्र से नाराज भी चल रहे थे, उन्होंने कहा यस वी आर सेवन सिस्टर्स, यस वी आर सेवन सिस्टर्स। तो ये प्रतीकात्मक, लेकिन ऐसा कोई खुलेआम नहीं बोल सकता, नहीं नहीं तो देश के साथ विद्रोह नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर भी चूंकि ये सातों राज्य ऐसे हैं जिनकी समृद्धि ज्यादा है, तो हम कह रहे नहीं ये सात बहनें बहुत अच्छी हैं, हम भी बोलने लग गए, केंद्र भी, हाँ भाई ये संस्कृति से ऊपर है, ये सातों ग्रुप। वैसे तो किसी देश में किसी राज्य को अलग करना आसान नहीं है ना कुछ भी। तो यह प्रयोग प्रतीकात्मक है, दिस एक्सपेरिमेंट, जिसने भी ये बोला वो सिंबोलिक है। जैसे मैं कह दूं ये आद्या बैठी है, दिस इज सिंबोलिक, सिंबल है, आद्या नहीं है ये,
फिर कहें आद्या तुम पढ़ाई नहीं करती हो, क्यों नहीं पढ़ाई करती हो, तो तुम्हारे ऊपर जा। ये सिंबोलिक है, हम ना बोले तुमको इसको बोले तो सिंबोलिक हुआ कि नहीं। तो यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। आगे पढ़ो। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य नाम साम्यात इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि हो सकता है। कदाचित का मतलब है शायद, ठीक है, संभवता। तो कदाचित, कदाचित संभवता, या हो सकता है या शायद, जो तुम्हें बोलना हो। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक सामाजिक, क्योंकि सांस्कृतिक इनमें संस्कृति बहुत अच्छी है, कोई अंग्रेजों के द्वारा, ये इनमें वेस्टर्न कल्चर का कोई प्रभाव नहीं है, जैसे हम पैंट शर्ट पहनते हैं ना, वैसा इनमें नहीं है, ये तो इनकी, क्योंकि अंग्रेजों ने कभी इन पर राज्य ही नहीं किया, तो इनमें वो प्रभाव आया ही नहीं। सांस्कृतिक सामाजिक परिदृश्य नाम, तो दैट मीन्स सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में, परिदृश्य का मतलब प्रभाव होता है, ठीक है, तो परिदृश्य में समानता के कारण, यानी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य, परिदृश्य का मतलब ऊपर ऊपर से देखने पर, उनमें देखो तो उनमें समानता है, इसलिए इन्हें सार्वजनिक कहते हैं। परिदृश्य में समानता, समानता के लिए संस्कृत का कौन सा वर्ड यूज किया गया? साम्यात इमानी, समानता के कारण, इमानी का मतलब है इनको, ठीक है, उक्त उपाधिना प्राथितानी, उपाधिना उक्त, उक्त प्लस उपाधिना, ऐसी उपाधि, उक्त उपाधिना का क्या मतलब है, ऐसी उपाधि दी गई हो, ऐसी उपाधि, जैसे कोई नाम दे दिया जाए, हम ना बोले षष्ठी को सृष्टि, हम कहें शेर मार आ गई है, शेर मार, इसके देखें बाल जो फर हैं, फर पहने शेर मार है, तो ये भी सोचे कि मैं तो शेर मारूं, बोल सकते कि नहीं। तो ऐसे किसी को हम लोग डेजिग्नेट कर देते हैं, पोर्टफोलियो दे देते हैं। तो हो सकता है इनको सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य में ऐसी उपाधि दे दी गई हो, ऐसा दे दी गई हो, प्रथितानि, इनकी ऐसी मतलब इनको प्रथितानि, प्रथितानि तो पिछले भी उसमें था, तो प्रसिद्ध हो, ये राज्य ऐसी उपाधि से प्रसिद्ध हैं, में समानता के कारण, इमानी का मतलब ये राज्य, ऐसी उपाधि से प्रथितानि का क्या मतलब है, प्रथितानि प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं। नाउ समीक्षा, हाँ, तो अध्यापिका समझो, संभवता प्रयोगो प्रतीकात्मक अस्ति, संभवता यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। Probably this experiment is symbolic, हो सकता है ये जो बात कही गई हो ये सिंबोलिक हो, बट सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में, that is in the perspective of social and cultural values, in the perspective, इस परिदृश्य में देखा जाए तो इनमें समानता के कारण हो सकता है ये राज्य इस नाम से प्रसिद्ध हो, क्योंकि इनमें समानता पाई जाती है, कल्चरली भी ये समान है, एक जैसे कपड़े मिले जुले के जंगली सींग पहनते हैं, दांतों की माला पहनते हैं, ऐसा सब पहनते हैं, तो उस कल्चर के वजह से एक साथ ग्रुप डांस करते हैं, हो सकता है सामाजिक और कल्चर, और सिर्फ पूजा करते हैं तो वृक्षों की, चांद की, सितारों की, जानवरों की, वन देवी की, तो हो सकता है कल्चरल एंड ड्यू टू देयर सोशल वैल्यूज दीज स्टेट्स आर फेमस
ड्यू टू दिस। तो यह प्रयोग प्रतीकात्मक है, पर संभवतः सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य में इन द परस्पेक्टिव ऑफ सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज दीज स्टेट्स मे बी फेमस फॉर दिस नेम। बोल बात समझ में आ गई। अब समीक्षा क्या पूछ रही है? कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छामि, मेरा कौतूहल मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। कौतूहलम कौतूहलम का मतलब है मैं, कौतूहलम में मेरी जिज्ञासा, मैं का मतलब मेरी है, तो मेरी जिज्ञासा, जिज्ञासा दैट मीन्स कि जो मैं जानना चाहती हूँ, जानने की इच्छा, जिज्ञ प्लस आशा, जानने की इच्छा, मेरी जिज्ञासा न खलु शांतिम गच्छामि। ठीक है, तो न शांति मेरी जिज्ञासा, न खलु, खलु का क्या मतलब है? मेरी जिज्ञासा देखना पड़ेगा। संस्कृत में खलु का क्या तात्पर्य है? निश्चय से, खलु का मतलब निश्चय होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका क्या मीनिंग होगा? यह ठीक प्रकार से शांत नहीं हो रही। चलो, सप्त भगिन्या CCL भावार्थ, ओके, सो न खलु शांतिम गच्छति, मेरी कौतूहलम में, मैं का मतलब मेरी हुआ, कौतूहलम में न खलु यानी पूरी तरह से, न खलु पूरी तरह से, न खलु शांतुम, ठीक है, अच्छा थी, शांत नहीं हुई, शांत नहीं हुई मेरी जिज्ञासा, पूरी तरह से शांत नहीं हुई, तो शांतुम गच्छति। फिर श्रावयतु तावत् यत् कानि राज्यानि सन्ति, सुनना चाहती हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब चैप्टर में नहीं बताया गया ना ये राज्य। सो श्रावत दैट इज, हाँ जाना होता है, तो पूरी तरीके से शांतुम गच्छति, शांति को प्राप्त नहीं हो रही है, मतलब एक तरीके से इनको भी एक पर्सोनिफिकेशन कर दिया है, मेरी जिज्ञासा शांति को प्राप्त नहीं। कई बार क्या होता है कि चीजों को अच्छा बनाने के लिए हम जो जिनमें जान नहीं है उनको भी कर देते हैं जैसे वो पर्सन की तरह, व्यक्तिकरण, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, नाच नाच कर छाए बदरा, मतलब बादल भी नाचते हैं, उनके कोई पैर होते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उनका व्यक्तिकरण कर रहे हैं, दैट इज पर्सोनिफिकेशन, ये एक तरीके का अलंकार है। तो ऐसे इंग्लिश में भी अलंकार होते हैं, संस्कृत में भी होते हैं। तो मेरी इच्छा या जिज्ञासा शांति को प्राप्त नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब देखो, श्रावयतु तावत यत कानि राज्यानि सन्ति, श्रावत श्रावयतु सुनाओ, सुनाइए, दैट इज श्रावयतु। ठीक है, तावत यत का मतलब है तो, ये कौन से राज्य हैं, सुनाइए तो, तावत श्रावत श्रावयतु यत तावत, ठीक है,
यत कहानी ये यत कहानी राज्यानी तानी तानी राज्यानी ये कौन से राज्यानी राज्य हैं सुनाइए तो ये कौन से राज्य हैं अध्यापिका श्रणुत अध्यापिका क्या कहती है सुनो अद्वयम मत्रया आ नाम से द्वयम मत्रया त्रा नाम से मा नाम से तीन चैव च प्लस एव और त्रियुक्तम तथा द्वयम त्रि न त्रियुक्तम ना भी तो है ना न त्रियुक्तम न प्लस त्रियुक्तम तथा द्वयम ठीक है ना और तीन से युक्त हैं और दो हैं भाई ना और तीन ना और त्रि से तो दो ही बनेंगे कि तीन बन जाएंगे ना और त्रि से युक्त दो आ नाम से दो मा नाम से तीन और ना और तीन से को लिए हुए अन्य दो राज्य आ नाम से दो आ के दो मा के तीन और ना तथा त्रि को लिए हुए त्रि का मतलब है त्रिपुरा को लिए हुए दो तो हो गया ना सब सप्त राज्य समूहो यम सप्त राज्य समूह प्लस अयम अयम का मतलब ये अयम सप्त राज्यों का यह समूह भगिनी सप्तकम मतम भगिनी सप्तकम मतम तो अब ये देखिए सात राज्यों का यह समूह ठीक है भगिनी सप्त कमतम ठीक है सप्त के इमानी राज्यां संधि सात राज्यों का यह समूह यह तो यह सात राज्यों का समूह अयम के लिए है सात राज्यों का समूह भगिनी सप्तकम सात बहने भगिनी सप्तकम का मतलब क्या है सात सप्तकम का मतलब सात है और भगिनी का मतलब बहने सात बहने मतम तो माना गया मतम का क्या मतलब है माना गया है अब ये जो जितना हमने लिखाया है इसको सिर्फ संस्कृत संस्कृत ये आयुषी फ्लॉलेसली पढ़ के आप लोगों को दिखाएंगे आयुषी पढ़ सर्वे सब भगिन्य सब भगिन्य फिर से बोलो सप्त नहीं बोल रही हो क्या सप्त बोलो निकोलस इमान इमानी राज्यानी सप्त भगिन्य इति किमर्थम कथयन्ति कथयन्ते कथयन्ते अध्यापिका प्रयोग प्रयोग्यम प्रयोगोयम दीर्घ लगा के बोलो प्रयोग प्रयोगोयम प्रयोगोयम प्रतीकात्मको वर्तन वर्ते वर्तते वर्तते कदाचित समाज कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्श परिदर्शियानां
साम्याद इमानी उक्तोपादीना प्रतीतानि समीक्षा कुतूहलम कौतूहलम कौतूहल कौ कौतूहलम में ना खलु संति शांति शांति गच्छति श्रावयतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि अध्यापिका श्री श्रणुत श्रणुत अध्याय अद्वयम् मात्रम् चेव मत्रयम् चेव न चैव चैव न त्रियुक्तम् तथा द्वयम् सप्तराज्य समूहोयम् भगिनी सप्तकम् मतम् मतम् बस इतना ही पढ़ा था। देखो कई जगह गड़बड़ी की, अगर सही तरीके से पढ़ लो क्रिया तो नहीं काम का। शास्त्रयं परस्परं पश्यन्त सप्त पश्यन्तः सप्त भगिन्यः इमानि राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थ किमर्थम भी तो है ना, देखो तुम बिंदी नहीं दिख रही। किमर्थम कथयन्ते प्रयोगोयं प्रति प्रयोगोयं प्रतीकात्मको वर्तते कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य दृश्याना परिदृश्यानाम साम्याद इमानी उक्ते उक्तो पाधिना प्रथितानि कौतूहलम में ना खलु शांतिम गच्छति श्रावयतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि श्रीनुत अध्ययन अद्वयम् मात्रयम् चैव न त्रियुक्तम् तथा द्वयम् मत्रयम् चैव न त्रियुक्तम् तथा द्वयम् सप्तराज्य समूहोयम् भगिनी सप्तकम् मतम् सप्तकम् मतम् शास्त्रयं परस्परं पश्यन्त सप्त भगिन्यः निकोलस इमानि राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते अध्यापिका प्रयोगोयं प्रतीकात्मको वर्तते कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि समीक्षा कौतूहलम् मेन खलु शान्तिम् गच्छति श्रावयतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि अध्यापिका शृणुत अद्वयम् मत्रयम् चेव न त्रियुक्तम् तथा द्वयम् सप्तराज्यसमूहोयम् भगिनी सप्तकम् मतम् कम गलती की है, पहले बताओ। शास्त्रं परस्परं पश्यन्त सप्तभगिन्या निकोलस्य इमानि राज्यानि सप्तभगिन्या इति किमर्थं कथयन्ति अध्यापिका प्रयोगोयं प्रतीकात्मको वर्तते कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधीनां प्रथितानि समीक्षा
कौतूहलम मेन खलु शांति गच्छति श्राविकतु तावत् तावत् यत् कामि तानि राजानि अध्यापिका श्रोणु अद्यम अद्वयम् अद्वयम् मत्रयम् चेत् न त्रियुक्तम् तथा द्वयम् सप्तराज्य समूह समूह यम भगिनी सप्तकम् 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 मतम् दो गलत किया, एक वर्तते गलत किया, एक अद्वयम् पूरी रुकी बोलो सृष्टि सर्वे शास्त्रयम् परस्परम् पश्यन्तः सप्तभगिन्यः सप्तभगिन्यः निकोलस इमामे राजानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यते अध्यापिका कथ्यन्ते अध्यापिका प्रयोगोऽयं प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मकतो वर्तते कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्शनानां साम्यात् इमामे उक्तोपदानि प्रथानि प्रतीतानि उक्तोपाधिना प्रथितानि समीक्षा कौतूहलं मेन खलु शान्तिं गच्छति श्रावयतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि अध्यापिका श्रयतु अद्वयं मत्रयं चैव न त्रियुक्तं तथा द्वयं सप्तराज्यानि समूहयं भगिन्या सप्तकम् सर्वे साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः सप्तभगिन्या सप्तभगिन्या निकोलसः इमानि राज्यानि सप्तभगिन्या इति किमर्थं कथ्यन्ते अध्यापिका प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि समीक्षा कौतूहलं मेन खलु शान्तिं गच्छति श्रावयतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि अध्यापिका शृणु अद्वयं मत्रयं चैव न त्रियुक्तं तथा द्वयं सप्तराज्यसमूहोऽयं भगिनी सप्तकं मतम् आपने बताया कि नहीं अभी नहीं बताया रीडिंग कर दी सर कर दी आप परस्परं पश्यन्तः सप्तभगिन्यः इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते रा पहले लगाना वर्तते कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि कौतूहलं मे न खलु शान्तिं गच्छति श्रावयतु तावद् यत् कानि तानि राजानि अध्यापिका श्रुणतु अद्वयं मत्रयं चेव न त्रियुक्तं तथा द्वयं सप्तराज्यसमूहोऽयं भगिनी सप्तकं मतं बस इतना ही एक गलती की आपने तुमको संस्कृत कौन पढ़ाता है अच्छा अब इसका अर्थ लिख के दिखाओ इतना भी करा आप घर में गीता पढ़ी जाती है अब तुम इस संस्कृत के श्लोक को बोल के दिखाओ मन मनाभव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे भी प्रपदन्ते माया मेताम करन्ति ते क्यों भगवान कृष्ण ने ये बात बोली है तुम बोल नहीं रही हो
चलो स्टार्ट लिखो।